क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 23 है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स फाइंड करना है हमको। तो जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उन दोनों वैल्यू को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा देते हैं। तो ये टर्म हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ बचा वन, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ बचा वन। तो अब ये आ गया वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो है सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन बाय साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स लगाना है। नाउ सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो ये आ जाएगा टेन एक्स, और कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो एक माइनस ये ऑलरेडी था और दोबारा माइनस कॉट एक्स आएगा, तो ये प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, और प्लस में सी ये हमारा आंसर है।